नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरी आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 10 नारी शक्ति का प्रतीक के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने भगिनी निवेदिता के बारे में जाना कि किस तरह से उन्होंने इस देश में आकर हमारे देश के लिए बड़े बड़े कार्य किए, जो कि बहुत ही कठिन है। बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? बच्चों, आपसे ये जो प्रश्न पूछा गया है यह बहुत ही सरल है। शुरुआत में आपको बताया गया था कि मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। तो बच्चों, मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। बच्चों, अब यह नाम आपको याद हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? बच्चों, जब आपने पाठ पढ़ा था तब आपको बताया गया था कि मार्गरेट को नया नाम कब और कैसे मिला। बच्चों, यह नया नाम स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। और कब दिया था? जब मार्गरेट स्वामी विवेकानंद जी से मिली थी और भारत आई थी तब। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? बच्चों, यहाँ यह पूछा जा रहा है कि भगिनी निवेदिता किस देश से आई थी भारत। तो बच्चों, ये आयरलैंड से भारत आई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ आपको क्या करना है? आपके सामने एक पंक्ति है, पंक्ति में कुछ खाली स्थान है। इस खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा आपको यहाँ से चुनकर लिखना है। और यह कार्य आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि पाठ आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। भगिनी निवेदिता का जन्म में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी के दर्शन किए थे। तो बच्चों, क्या आएगा? भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? मातृभूमि में, आयरलैंड में, शिक्षण में, देहांत में? क्या लगता है आपको बच्चों, क्या आएगा? यहाँ आएगा आयरलैंड, कि भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। फिर देखिए, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी के दर्शन किए। अपनी किसके दर्शन किए? बच्चों, मातृभूमि के दर्शन किए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बचपन में ही इनके माता पिता का हो गया था। बच्चों, क्या हो गया था? देहांत हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्गरेट को का कार्य अच्छा लगता था। मार्गरेट को क्या कार्य अच्छा लगता था? मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, और वो 17 वर्ष की उम्र से ही शिक्षण कार्य करने लगी थी। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने एक पंक्ति है, पंक्ति के उत्तर से संबंधित आपके सामने 4 विकल्प हैं। उन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। कौन सा कार्य प्रारंभ कर दिया था? क्या समाज सेवा करनी प्रारंभ कर दी थी? नहीं बच्चों। पढ़ाई करना? नहीं बच्चों। पढ़ाने का काम करना, ये उत्तर देखकर आपको याद आ रहा होगा कि भगिनी निवेदिता ने 17 वर्ष की उम्र से ही शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो हमारा सही उत्तर है ग। बढ़ते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने ख्याति कब अर्जित की थी? भारतीय सम्मेलन में? नहीं। विदेशी सम्मेलन में? नहीं बच्चों। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में? हाँ बच्चों, स्वामी जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित की थी। बढ़ते हैं आगे। भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था। तो उत्तर है, भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इजाबेला, पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? बच्चों यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही सरल है क्योंकि आपने पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा है और आपको भगिनी निवेदिता के कार्यों का स्मरण हो रहा होगा। देखिए भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे कार्य किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? बच्चों यहाँ आपको यह बताना है कि भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं में कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देती थी जिसके कारण वो उनसे प्रभावित होती थी। तो बच्चों देखिए भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना, ममता जैसी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? बच्चों यहाँ पर आपको यह बताना है भगिनी निवेदिता के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण भगिनी निवेदिता का पूरा जीवन बदल गया था। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि इंग्लैंड में जब वो स्वामी विवेकानंद जी से मिली थी तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? बच्चों आपको यहाँ पर यह बताना है कि भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचा गुनगुनाती रहती थी, कौन सी ऋचा को याद करती रहती थी। तो बच्चों देखिए भगिनी निवेदिता वेद की निम्न ऋचाओं का स्मरण किया करती थी। ऋचा है बच्चों ये अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्युर मा अमृतगमे। बच्चों ये बहुत ही अच्छी ऋचा है, इस ऋचा को आप भी याद कर सकते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के पाठ 10 नारी शक्ति के प्रतीक के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।